ने फिश बारबेक्यू का, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना फिश खाई जाए। यही बारबेक्यू लगा रहा था ना लेने कोयले भाई, जो ये चीज आप खा रहे हैं ना इसका भाई देख ये लो जी ऑयल, ये हो कमाल जूसी, ये ऐसे लग रहा टिक्का फिश बनाई है मैंने। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई नदीम अहमद फिर आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। आज जो है छोटा सा एक व्लॉग है, इसमें बेसिकली हमने आपके साथ क्या शेयर करने लगे हैं, आज प्लान किया हमने फिश बारबेक्यू का। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने सोचा क्यों ना फिश खाई जाए, तो दोस्तों के साथ जो एक छोटा सा बारबेक्यू प्लान किया हमने आज, तो उसकी जो है किस तरह बारबेक्यू तैयार होता है, किस तरह मछली को मसाला लगाया है और किस तरह उधर कोयलों पर गर्म गर्म पकेगी आपके साथ शेयर करते हैं। आ जाए फिर मछली खाते हैं जी गाइस। मछली को जो है मसाला लग गया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले जो बहुत जरूरी चीज़ है बारबेक्यू के लिए आपको पता है वो है कोयला, ठीक है। अभी हम ये रखे फ्रेंड्स सारे हमारे साथ जा रहे हैं कोयला लेने के लिए, ठीक है। और अभी हम जाएंगे गाड़ी पे, 3 किलो कोयला लेना है, उसके लिए 6 लड़के जा रहे हैं, पता है आपको बहुत वजन होता है कोयलों का, कहा जाए फिर कोयला लेने चले। आ जाओ भाई कोयला ले जा रहे हैं। भाई किसकी गाड़ी पे जाना है सुल्तान साहब? ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं इसी गाड़ी पे जाएंगे। ये देखिए सारे लड़के कोयला लेने जा रहे हैं 3 किलो। ये रोशनी में जाके दिखाएं ना कौन कौन जा रहा है कोयला लेने। अच्छा जी, हाँ जी, ये जी हमारे दोस्त है उमैस अली कुरैशी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और ये शाहजेब भाई, ये पहले भी आपसे मिल चुके हैं एक वीडियो में। ये जी हमारे शेफ हैं शराज साहब, ठीक है। और अभी हम जाएंगे कोयला लेने, ठीक है, आ जाए फिर कोयला लेके आते हैं। चलो भाई आ जाओ जी। डिसाइड हुआ कि मेरी गाड़ी पे जाया जाएगा, तो ये उमैस भाई गाड़ी ड्राइव करेंगे। बैठो गाड़ी में चले। हाँ जी हाँ जी चले। मिलेगा कहाँ से कोयला? मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से, चलो भाई। A few moments later. जी मॉडलॉन, हम कौन से ब्लॉग में आ गए? हमें बी मॉडलॉन बी ब्लॉग में आ गए कोयले ढूंढते हुए। और ये भाई हमें इशारा कर रहे हैं, ये कोयले बेच रहे हैं? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये कोयले नहीं बेच रहे भाई, ये लड़का हमारा जो है आगे जा रहा है कोयले ढूंढने के लिए। अभी यहाँ से कोयले देख ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमें खुद को आइडिया नहीं है इस बाजार में कोयले किस जगह पे है। यही बारबेक्यू लगा रहा था ना कोयले? नहीं ना, मतलब यूज के लिए रखा। ओके मोड़ो जी, गो फिर तुसी गड्डी उतर के देखो मैं क्या सीन है। देखें वन इटर्निटी लेटर जी कोयले हमारे भाई ले आए हैं, ये देखें जी कोयले आ गए हैं। ओए हो, बहुत महंगे मिले जी कोयले, ठीक है, तकरीबन 1,00,000 रुपए किलो मिले हैं कोयले हमें। और उसमें ऐसा में उन्होंने कहा है कि अगर आप जलाएंगे हो सकता है कि आपके पास कोई कोहिनूर का हीरा भी निकला है बीच में से। कैसा लगा मेरा मजाक? तो अभी जाके इनको आग पे जलाते हैं और फिर इसके ऊपर मछली को लटाते हैं। चलोगे आधा किलो? ये अगला टारगेट है हमारा क्या 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 लेना है हमने? बोतल इमली की चटनी लेनी है, बोतल लेनी है, सॉस, केचप और कुकिंग ऑयल पड़ी हुई है केचप। चलो जी ये यार ये राइट यू टर्न लेके यूरो स्टोर पे जा रहा जी। ये हम यूरो स्टोर पे आ गए हैं, ये पिंक वाली ले ले, सही है, चल आगे भाई। सारी चीज़ डाल ले, किधर है ऑयल? यार ऑलिव ऑयल ले लेते हैं यार। नहीं नहीं ये रहने देते हैं, काफ़ी महंगा ऑलिव ऑयल, बहुत महंगा है जी, सादा तेल लो। कौन सा लिया सर ये साहब ने? क्या हो गया, ये नहीं लेना वे। हार्ट अटैक नहीं करवाना हमने। शान का ले लो, डालडा ले लो यार, डालडा ठीक है। शान कुकिंग ऑयल ले लो, नहीं सूफी कनोला यार जो हम घर पे यूज करते हैं। सूफी में पकाएं एतमाद के साथ खाएं। ये वैसे आधा किलो वाला भी बहुत होगा। नहीं ये सही है, फिर चल जाएगा सर जी हमारे। फिर बनस्पति ना ले लें? नहीं सही है सर, आधा किलो वाला होता ही नहीं है। अच्छा केचप लेनी इधर, राइट दिस राइट, इधर होगी केचप, इमली सॉस, इमली सॉस, ये रही ग्रीन चिली पिज्जा, ये ग्रीन इमली, इमली सॉस, ये बड़ी है छोटी है। गार्लिक ले लें साथ में, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये ले, ये काफ़ी होगी मेरे ख्याल से, तो काफ़ी होगी। और क्या लेना है साथ में? बाकी की सोच लेनी थी, भाई जो ये चीज़ आप खा रहे हैं ना इसका डिवाइड बाय ऑल नहीं होगा, ये हमने बहुत महंगी चीज़ खाई है, इसका डिवाइड बाय ऑल ही होगा। अच्छा चलो जी चले भाई, आ जाओ भाई चले, लेट्स गो। यूरोप का सबसे ज़्यादा शॉपिंग हमने की आज की डेट में,
शॉपिंग हो गई है डन, अब जा रहे हैं गाड़ी में पैक और उसके बाद जाके बारबेक्यू करते हैं स्टार्ट। ठीक है भाई, ये गाड़ी में आ गए, कोयले लेके वापस आ गए हैं हम। गाड़ी हमने कर दी है अपनी जगह पे पार्क और हम जाके हम करेंगे कोयलों को लगाएंगे आग और कोयलों को आग लगा उसके सामने बैठेंगे, वहां से सेकेंगे हाथ और आपसे करेंगे बात। ठीक है, आए फिर कोयलों को आग लगाते हैं, अंगीठी जलाते हैं बारबेक्यू करने की। अभी यहाँ पे लाइट्स ऑन करते हैं। यार शराल की लाइट्स ऑन करो यार, वाह कैसा आया ना मजा, वाह भाई वाह। यहाँ पे भी होगा बारबेक्यू फुल टाइम मजे का। ये देखें जी, मछली को मसाला लगा हुआ है बिल्कुल, कमाल किस्म का मसाला लगाया है और ये पैक हुई हुई है पूरी, से बहुत एफर्ट हुई है। अब जो शक्ल से मुझे लग रहा है कि मसाला बहुत अच्छा लगा हुआ है फिश को, तो इसको जब पकाएंगे और खाएंगे फिर मज़ा पता लगेगा कैसा है इसका। भाई जान ये देखें जी, अंगीठी आ गई है फुल बड़े साइज की, कोई छोटी मोटी नहीं है। मिलाने इस पे एक बार ही सारी मछली पक जाएगी शायद, सब क्या ख्याल है? इस पे भाई एक बार ही सारी मछली हमने इकट्ठी पका देनी है। इस लड़के ने बहुत मेहनत की है और फाइनली टूट के लाया जी। अंगीठी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, सेटअप पे आ गई भाई अंगीठी, अंगीठी मारी आ गई है। ठीक है, आपने देख ली अंगीठी फुल बड़े साइज की अंगीठी आ गई है। अभी इसको जरा इस पे कोयले लगाते हैं और फिर इसको रेडी करते हैं। कोयले एक साइड पर रखते हैं, आग लगाते हैं दो तीन कोयलों को। ये देखिए बहुत हमारे बॉस हमारे खुद काम कर रहे हैं आज, बॉस भी हमारे शेफ है। अच्छा भी बताओ वो उसकी वो किधर है, इसके अखबार पढ़ाओ तुम अखबार? नहीं मम्मी कागज में चला था उसको, मम्मी कागज लेके आओ। ये आज साफ करें आप, बोझ सर्दी भी बहुत है आज, मछली खाने का मजा भी आएगा, बड़ा मजा आने लगा। देखिए अभी आप आए, हाय 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 बॉन फायर, ये आग जलने का भी अपने ही मजा है। ये देखिए जी बॉन फायर हो गया है, कमाल। ये हमारे कोयले जो है उनको आग लग गई है, अभी थोड़े से रेड हो जाएंगे, इसके बाद हम मछली ले जाते हैं। एक काम करो, मछली को निकालो ट्रे के अंदर, मछली यहाँ पे ले आओ और वो लेके आओ उसकी ग्रिल भी ले आओ। आपने एक ऐसा लगाने हैं सारे, ठीक है फिर वो ये देखेंगे देखे जुगाड़। ये कोलो का मजा हो गया बोझी, ओके हो गया ये तो। बोझी अब कोलो में शशका डाल रहे हैं। ये जादू चक्कर बंद हो गई, बंद हो गई, जादू देख रहा था आपने, 1 2 3 जादू लग जा ले यार। ओ बॉस चागे बहुत आला बॉस, जादू चेक किया बॉस, ये कहां सीखा आपने? ओए होए 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 क्या है भाई यार, कमाल है। अब इसके ऊपर हमने जो है मछली रखनी है और उसके बाद मछली पकना शुरू हो जाएगी। मछली को देख लिया मैंने ऑलरेडी ग्रिल में लगाई हुई है मछली, ठीक है ये देखें, ये मछली हमारी ऑलरेडी ग्रिल के अंदर लग गई है सारी, ग्रिल पे लेके आना है हमने इस वाली ग्रिल के ऊपर। और मेरे घर ग्रिल हमारे पास काफी बड़ी है तो एक टाइम में सारी मछली जो है ना वो आ जाएगी। बड़े ही छज्जे ले आए हो, मैं कहता हूँ देखें मैं तो मजा ही आ जाना, पूरा इंग्लिश फुल इंग्लिश, इसको रखते हैं इस साइड पे। ओए होए होए क्या बनी इसी के लिए है ये ग्रिल, ये लेना दी भाई, ये दूसरी ले दे।
दो ही आएंगे, तीसरा तो नहीं आएगा। नहीं यार बड़े वाला रखते हैं पहले, ये सारी मछली लग गई है। ओ बड़े वाला लेके आया, ये रख ले। हां ये छोड़ दे, ये छोटा है, ये छोटा है, ये पकड़ लो। लोगों जी गाइस, फिश हमने रख दी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये हल्की आंच पे पकेगी और फिर इसको खाएंगे। कमाल वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फिश यहाँ पे हो रही है रेडी। अच्छा? और ये लड़के जो है ना, ये भूखे शेरों की तरह इंतजार कर रहे हैं। हाय जी, ये हमारे दानियाल भाई आ गए हैं। दानियाल भाई को वेलकम करते हैं हम जी। कैसे हैं दानियाल भाई? माशाल्लाह, ये बेटी है आपकी? जी जी ने। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जन्नत। जन्नत माशाल्लाह। हम मजाक करेंगे, अभी करेंगे। मैं साहब ने गारंटी ले ली है फिश ना जलने की, और मुझे लग रहा है फिश जलेगी नहीं। अब बहुत सोना ऑयल दे दे, मैं लगा दूं इसको। ऑयल लगाना है जी? लगाना है, ऑयल पकड़ाना है। ऑयल पकड़ाओ जी, ऑयल लगाना है लड़के ने। ये लो जी ऑयल। जी दोस्तों, ये मछली जो है रेडी हो रही है, तो जरा मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएं सब कि इस सर्दियों में किस किस ने फिश खाई है, और किस किस ने अभी तक बारबेक्यू कर लिया फिश का, और कैसा रहा है आपका बारबेक्यू, और अपनी फेवरेट फिश जो है, जो आपको खाने में पसंद है, वो कमेंट में लाजमी बताएं। छुरी किधर है? चेक तो करके देखो जरा, फिश पक गई कि नहीं पक गई। चेक करो, 600-700 की है। मैं तो, मुझे लग रहा है कि रेडी है फिश ऑलमोस्ट। ये देखिए, अभी हम बेचते हैं लड़के को नान लेने के लिए, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हम ले आए थे पहले ही, बाकी चीज़ें सिर्फ नान आने वाले हैं। नान आते हैं तो फिर इसको प्लेट में सर्व करते हैं और खा के आपको बताते हैं कि कैसी बनी है, ठीक है जी। गाइस मछली हमारी होगी रेडी ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है एक छोटा सा मसला हो गया, घर से आ गया फोन, ठीक है। कुछ घर पे ज़्यादा थोड़े से गेस्ट आ गए हमारे, तो उनके लिए भी कुछ खाना वगैरह लेके जाना है, तो मैं हो सकता है अभी निकल जाऊँ यहाँ से जल्दी। तो अभी इसको खाना खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये चेक करें जी, ये हो कमाल, ये ऐसे लग रहा टिक्का फिश बनाई है हमने। टिक्का फिश, हाय हाय हाय। फिश हमारी जो देखें जी, फिश हमारी ट्रे के अंदर आ गई हुई है, और ये देख सकते हैं आप। ओए होए होए, क्या गर्मा गर्म फिश है जी। हाथ में और ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार फिश बनी है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप का दिल है तो आप दोबारा अगले वीडियो में मुझे ज्वाइन करें, मेरे साथ मिलके बारबेक्यू करते हैं और मिलके फिश बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना कमाल मसाला लगा है ना इसको, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और ना ही बहुत ज़्यादा, मतलब वो है ऐसे कह लें कि बहुत आला, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ओए होए 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 होए, पूछो ना यार, पूछो ना जी। मैं सब खा के बता कैसी लगी है। क्या बात है जनाब, नदीम साहब ने बहुत बेहतरीन कांटा बता के दिया। तो मैं सब बताएं कैसी बनी है। सब A1 बनी है। क्या ब्लो फिश वाले बनाते होंगे? हां जी, खा के देखिए। जो नदीम अहमद ने बना दिया, और साथ ये जो इमली की सॉस है। हां जी, क्या बात है, क्या ही बात। ये देखें जी, लड़कों की स्पीड चेक करें आप खाना खाने की। तीन लड़के एक पीस को जुड़ गए हैं जी गाइस, मछली बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। दो बंदों को क्रेडिट आता है, लड़के रुक नहीं रहे खाने से, हम भी नहीं रुक रहे खाने से। ये चेक करें जरा, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये अपने बाइट लेनी है एक मछली की, ठीक है जी। और साथ में इसके अंदर लगानी है इमली की चटनी, ठीक है। बहुत कमाल, बहुत मजेदार। टमाटे भजने वाली,
आ जाएं आप लोग भी साथ। टमाटे मैं भाई बोतल नहीं पी रहे, आप क्या चक्कर है? नदीम भाई थैंक यू वेरी मच। जी मैं भी बोतल नहीं पी है ना साथ, क्या हो गया? मछली बहुत मजे की है जी, लड़के रुक नहीं रहे खाने से। मैं रुक गया। क्यों? थोड़ा सा गैप देंगे ना, गैप देखे दोबारा शुरू करें। हाँ, फिर खाएंगे। जी शदेव भाई कैसी लगी फिश आपको? बहुत आला, बहुत आला। जी अमित भाई बहुत जबरदस्त फिश बनाई। जी वलीद भाई कैसी लगी? जी दोस्तों खाना शाना खा लिया अपने सबने, ठीक है? ये सब भी फ्री हो गए खाना शाना खा के। ये दो लड़के नहीं रुक रहे, एक ये और एक ये, तीन ये रुक गया यार खाने से, फिर शुरू हो गया। जी गाइस ये था एक छोटा सा हमारा बारबेक्यू दोस्तों के साथ, ठीक है? मछली वगैरह परचेज़ की, सुबह मैं बिजी था उसकी, मैं वीडियो बना नहीं सका पूरी, तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो इस तरह की दोबारा आपसे शेयर करते रहेंगे। और अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि घर पे थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं और उन गेस्ट को जो है थोड़ा सा सर्व करना है, उनके लिए खाना वगैरह लेके जाना है अभी। और बाहर जो है इस टाइम फोग जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है? तो अब चलते हैं घर और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।